अगर आपने अभी तक यूनिवर्स टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायन, आप देख रहे हैं यूनिवर्स टेक्निकल। यूनिवर्स टेक्निकल पे आज MI राउटर जो है, MI का एक राउटर मैंने लिया है खुद के लिए, MI राउटर 3C, उसी का अनबॉक्सिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये राउटर मैंने MI का लिया हुआ है, मैंने खुद के यूज़ के लिए लिया है, ठीक है। तो राउटर की अगर पैकेजिंग की बात करें तो ये मैंने सबसे पहले बोल दूँ कि ये मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ है, अमेज़ॉन या किसी ऑनलाइन वेबसाइट या MI के स्टोर से नहीं, क्योंकि ये मुझे बहुत ही जल्दी चाहिए था। मेरा पुराना वाला डीलिंग का जो है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए मैंने ये लोकल मार्केट से ले लिया, ऑफलाइन परचेस किया। तो सामने की तरफ है, यहाँ पे देख सकते हैं MI राउटर 3C लिखा गया है, साइड में MI की ब्रांडिंग है और बीच में जो है राउटर का इमेज दिया गया हुआ है। नीचे साइड की तरफ बात करें तो पूरा क्लियर है, MI राउटर 3C दिया गया हुआ है। साइड की, इस साइड की अगर बात करें तो MI का ब्रांडिंग दिया गया हुआ है, ठीक है। और इस साइड की भी बात करें तो वही सेम चीज़, MI राउटर 3C, और यहाँ पे भी MI का जो है ब्रांडिंग और सील है। और पीछे की तरफ चलते हैं दोस्तों, पीछे की तरफ बात करें तो इस राउटर में जो मुझे सबसे अच्छी जो लगी है, ये डाउनलोड MI वाईफाई ऐप कंट्रोल योर नेटवर्क। आप एक स्मार्टफोन में ये एक बारकोड को स्कैन करके एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप अपने राउटर को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे जो है स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए गए हुए हैं, आप गौर से अगर देख पाएंगे, रुकिए मैं इसको फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए वायरलेस टाइप है, 2.4 GHz अप टू 300 Mbps स्पीड, ठीक है, जो है सब कुछ दिया गया हुआ है, मॉडल वगैरह दिए गए हुए हैं और यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हुए हैं, ठीक है। स्मार्ट राउटर बोला गया है इसको, वाईफाई सिक्योरिटी, ठीक है, कंट्रोल, नोटिफिकेशन, रिस्टोर पासवर्ड, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड, सब कुछ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलिए इसका सील जो है हम लोग काट लेते हैं, मेरा नाइफ, तो यहाँ से जो है सील काट लेते हैं। ये मुझे तकरीबन 1500 रुपये का आया है, ठीक है। तो 1500 रुपये का ये आया है, ऑनलाइन लेने जाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा पे किया हूँ इसके लिए, पर अभी मुझे ज़रूरत है इसके लिए, क्या कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकते, तो लिया मैंने। ये निकाल लेते हैं और ये जो है निकल आ चुका है, बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, तो बॉक्स को हम लोग जो है साइड में रख देते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो है हमारा राउटर दिया गया है, ये 4 एंटेना का है, आपको बॉक्स देख के पता चल चुका होगा। तो राउटर काफ़ी स्लिम है, अभी इसको जो है हम लोग साइड में देख देते हैं और बॉक्स कंटेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे MI का एक जो देते हैं वो लोग बुकलेट वगैरह वो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बारकोड के लिए दिया गया हुआ है, ठीक है। राउटर कैसे सेटिंग करना है, FAQ वगैरह सब कुछ ये कोई नहीं देखता, बस साइड में रख देते हैं। और बात करें तो यहाँ पर भी वो दिया गया हुआ है बारकोड के लिए, और बॉक्स है और जो बेसिक केबल वगैरह जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राउटर को पावर सप्लाई के लिए, और तो वो दिया गया हुआ है। इसको भी हम लोग जो है खोल लेते हैं एक बार, सेकेंड खुल चुका। तो ये है केबल जो है उसका। तो वायर की बात करें तो काफ़ी अच्छा किस्म का वायर है, ठीक है। और चार्जर, ये जो इसका अडाप्टर है इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं, ये अडाप्टर देखिए आप, यहाँ पे मैं इसको फोकस कर लेता हूँ, हाँ ये फोकस हो चुका है। आप अडाप्टर देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कितनी रेटिंग है, वोल्ट वगैरह जो है। तो ये है अडाप्टर और बॉक्स में कुछ नहीं है। अब चलिए सब कुछ साइड में हटा के जो है राउटर पे फोकस करते हैं, राउटर के साथ। तो राउटर की अगर बात करें, ये पैकेजिंग है, प्लास्टिक है पूरा, तो निकाल लेते हैं, ये निकल गया प्लास्टिक। सामने राउटर की बात करें, पूरा वाइट कलर का राउटर है, ये एंटीना बैंड्स हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग ऐसे करेंगे, जो राउटर होगा बिल्कुल इस तरीके का दिखेगा, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो राउटर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है।
चलिए मोबाइल को फिर से रख देते हैं यहाँ पे। और राउटर की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज की अगर बात करें, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बात करें तो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। नीचे की तरफ कुछ जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है राउटर के बारे में वो दिया गया हुआ है, ठीक है। 2.4 GHz वही जो लिखा हुआ था बॉक्स के पीछे वही, और यहाँ पे जो है पोर्ट वगैरह दिए गए हुए हैं पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भी पोर्ट वगैरह है। एंटीना का ये प्लास्टिक ही है पर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है। सामने की तरफ एक LED नोटिफिकेशन जो लाइट वगैरह होती हैं वो दिया गया है। तो ओवरऑल अगर राउटर की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, इसको अभी मैं सेटिंग करने वाला हूँ आज शाम को, ठीक है। शाम मतलब वीडियो जब आ जाएगा उसके पहले ही शायद सेटिंग हो चुका होगा ये। तो इस बस यही मुझे 1500 रुपये का पड़ा। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी इस राउटर से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड कुछ भी सवाल वगैरह हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, इस राउटर को सेटिंग करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐप देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, सॉरी, और एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बारकोड जो है दिया गया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको स्कैन में लाके जो है आप बिल्कुल अपने राउटर को सेटिंग कर सकते हैं, स्मार्टफोन से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।